भैया आप में से बहुत से भाई परेशान होंगे कि भैया हम ऐसी कौन सी हेयर स्टाइल करें जो कि हमारे स्कूल में भी अलाउ हो और उस हेयर स्टाइल में हम काफी ज्यादा स्टाइलिश दिखें और एक सेक्सी दिखें, क्योंकि भैया स्कूलों में थोड़े बड़े बाल हुए और थोड़ी फंकी से जो हेयर स्टाइल होती है वो अलाउ नहीं होती है और भैया सिंपल सी हेयर स्टाइल अलाउ होती है। और भैया अगर आप सिंपल हेयर स्टाइल करते हैं तो भैया आप चंपू से दिखते हैं, तो भैया चंपू कौन दिखना चाहता है इस जमाने में? भैया सबको गर्लफ्रेंड बनानी है, सबको अच्छा दिखना है, सबको सेक्सी दिखना। मेरे भाई आज मैं आपके लिए ऐसी तीन हेयर स्टाइल लेके आया हूँ जो कि आपके लुक को और भी ज्यादा स्टाइलिश बनाएंगे, आपको सेक्सी दिखाएंगे और सारी हेयर स्टाइल एकदम सिंपल है, आपके स्कूल में आराम से अलाउ भी कर देंगे और आप उसमें स्टाइलिश भी दिखेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है ना मेरे भाई, बस मेरे इस वाले वीडियो को पूरा देखना है भैया, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाला है। और भैया अगर आपने अभी तक मेरे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई किस बात की देरी है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जिससे आने वाली कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। और भैया जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे इस वाले चैनल पर एक हेयर ड्रायर का गिव अवे चल रहा है, तो उस हेयर ड्रायर को लेने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मेरे इस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद भैया मेरे इस वाले वीडियो को कोई भी दो ग्रुप में शेयर करना, भैया इसके बाद मेरे इस वाले वीडियो के नीचे कोई भी एक कमेंट करना है अच्छा सा। और भैया इन सभी हेयर स्टाइल की एक कंडीशन है कि आपके बाल ना यहाँ से छोटे होने चाहिए, मतलब कि आपको फेड हेयर स्टाइल रखनी है, मतलब कि यहाँ से अपने बालों को छोटे रखना। जब भी सैलून पर जाए, अपने बार्बर के पास जाए, तो उससे बोलना है आपको एक नंबर वाली मशीन यहाँ पर लगा दे और उसको ध्यान से बोलना कि भैया इतना इतना रखना, इससे ज्यादा नहीं रखना, और यहाँ पर थोड़े से बाल ज्यादा रखना कि वो यूं आगे आ सके, इतना इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ मैं आपको बताता हूँ नंबर वन हेयर स्टाइल, तो भैया हमारी पहली हेयर स्टाइल होगी उसके लिए हमें सबसे पहले अपने बालों को यूँ सीधा कर लेना है सारे बालों को, जैसे आप कोई भी हेयर स्टाइल करेंगे वो थोड़ा अच्छे से होगी। उसके बाद आपको यूँ करना है इस तरह से, सारे बालों को ऊपर करना है। इसके बाद में आपको हेयर वैक्स लेनी है, मैं गैट्सबी की यूज़ करता हूँ, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अपने बालों पे यूं ऊपर ऊपर लगा लेनी है। अब दूसरी हेयर स्टाइल के लिए भैया हमें एक कंघा यूज़ करना पड़ेगा, और वैक्स मेरे बाल में पहले से लगी हुई है तो अब मैं वैक्स नहीं लगाऊंगा। मतलब आपको इस तरह से हेयर स्टाइल करनी है, आपको अपने थोड़े थोड़े बाल माथे पर लाने ही हो। कंघे से करने के बाद आपको हाथ से जरूर करना है, वरना वो चिपके चिपके बाल लगेंगे, वो थोड़े बेकार लगते हैं, हाथ से करना। उसके बाद इस वाली हेयर स्टाइल के लिए अगर आपके बाल यहाँ से थोड़े से बड़े होंगे ना, मतलब ये फेड नहीं होगा, तो और भी ज़्यादा अच्छी दिखेगी। तीसरी वाली जो हेयर स्टाइल है वो मेरी फेवरेट हेयर स्टाइल है, उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले अपने बालों को नीचे कर लेना है, उसके बाद इस तरह से करना है यूँ, आपको अपने बाल में यहाँ से वॉल्यूम देना है यूँ, यहाँ वॉल्यूम देना है ऐसे, यहाँ पर यूँ करना है, यहाँ से वॉल्यूम दें। अभी मेरे बाल इतने बड़े नहीं हैं इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम तो है पर वो कम दिख रहा है यूँ। और हेयर वैक्स तो अपने बालों में लगा हुआ है, उसके बाद में हेयर स्प्रे लें और अपने बालों में लगा लें, आपके बाल कहीं भी नहीं लेंगे। ये वाली हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, एकदम कैजुअल लुक देती है। तो आज मैंने आपको भैया तीन हेयर स्टाइल बताई हैं जो कि आपके स्कूल में आराम से अलाउ हो जाएंगे, आपके स्कूल में आराम से अलाउ हो जाएंगे, उसमें आप और भी ज़्यादा स्टाइलिश दिखेंगे, सेक्सी भी दिखेंगे, मतलब कि आपका लुक भी ख़राब नहीं होगा और आपके स्कूल में भी अलाउ हो जाएंगे। तो उम्मीद है मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, अगर आपको वीडियो समझ आया हो या फिर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होना तो प्लीज़ मेरे भाई एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना।